हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं चला निफ्टी 50 के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो यस्टरडे मैंने निफ्टी के बारे में बात किया था, आपको बताया था कि ये 21,200 का जो रेजिस्टेंस प्रीवियस डे में मार्केट ने यहां पे बार बार यहां पे जो जिस वाले रेजिस्टेंस को यहां पे रेजिस्ट किया था वो वाला रेजिस्टेंस कल के लिए सपोर्ट बन सकता है। तो मैंने बोला था कि इस वाले रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पे ओपनिंग देखिए ऊपर साइड ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे 100-200 पॉइंट का मोमेंटम आपके ऊपर के साइड में आ सकता है। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने ऑलरेडी गैप अप कर दिया। मैंने आपको बोला भी था मैं बीटीएसटी लेके जा रहा हूँ, तो गैप अप में भी हम लोग को अच्छा खासा 50-60-70 पॉइंट हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन में भी मिला। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यस्टरडे मैंने यहाँ पे एक बीटीएसटी दिया था निफ्टी का 21,100 का 240 पे बाय करने के लिए बोला था। और यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन होते ही उसने यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे 300 के ऊपर ही ये ओपन हो गया था। बाद में 280 मैं स्क्रीनशॉट लेते रहते 280 पे आ गया था, क्योंकि यहाँ पे आधा मिनट हो चुका था। उसके पहले ही मैंने यहाँ पे मेरा क्वांटिटी बुक किया था। बैंक निफ्टी का भी मैंने ये जो कॉल है ये भी मैंने 350 के आसपास में कल खरीदा था, इसको भी मैंने आराम से 500 के ऊपर आज आराम से बेच दिया। तो मैं यहाँ पे पहला वाला जो प्रॉफिट मुझे हो गया था वो सब ले लेके शांत बैठ गया। मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी मैं वेट कर रहा था कि इस वाले सपोर्ट पे आ जाएगा तो मैं वापस एक बार बाय कर लूंगा। और मैंने आपको बोला था कि मार्केट जब भी और गैप अप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इस वाले सपोर्ट के आसपास आएगा तो वापस उसको बायर कंट्रोल कर लेंगे। चाहे तो आप अपना जो प्रीवियस वीडियो है वो निकाल के देखिए, मैंने बोला था। तो देखिए यहाँ पे तो आया नहीं, लेकिन यहाँ पे बाइंग आ गई। तो मैंने आपको बोला है, देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, यहाँ पे कोई लाइन टू लाइन यहाँ पे सपोर्ट टच नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पे बायर ने उसको पकड़ लिया तो यहाँ से ही ऊपर लेके जाएगा। तो आपको समझना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस से आएगा ये चीज़ें। एडवांस सेटअप जो रहते हैं, एडवांस एंट्रीज रहती है, वो सब एक्सपीरियंस से आती है। आपको कुछ अलग सेटअप नहीं मिलेगा, या फिर आपको कुछ कैंडलस्टिक भी नहीं मिलेगा, या फिर कुछ यहाँ पे प्राइस एक्शन भी नहीं मिलेगा। तो आपको एक एक्सपीरियंस से वो एंट्री समझ में आ जाएगी कि भाई यहाँ से मुझे अपसाइड में एंट्री लेना चाहिए, वो आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा। तो अगर ऐसे अगर एडवांस सेटअप आपको सीखने रहेंगे तो आप हमारे प्रीमियम ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी कल के लिए हमारा क्या व्यू होना चाहिए निफ्टी में कल के लिए? देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस था मैंने यहाँ पे बोल के भी रखा था कि अगर मान लीजिए 21,350 के आसपास में कहीं पे निफ्टी रुकने की कोशिश करता है तो अगर उसके बाद अगर उस वाले लेवल को तोड़ देता है तो एक अच्छा मोमेंटम आएगा। तो देखिए यहाँ पे 350 के आसपास में एक बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद वापस दो बार रेजिस्टेंस लेने के बाद में जब भी उसको ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा 200 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर साइड में हमें देखने के लिए मिला। तो ये भी मैं पकड़ सकता था, लेकिन मैं आज मार्केट में था नहीं। जो भी मॉर्निंग बीटीएसटी मुझे प्रॉफिट हो गया था वो सब लेके मैं आराम से बढ़ गया था, क्योंकि मैं फ्राइडे के दिन ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं फ्राइडे के दिन ज़्यादातर मेरा लॉस ही होता था, तो मैं फ्राइडे के दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था तो मैं शांत बैठ गया। तो देखिए यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंट ऊपर साइड में हमें देखने के लिए मिला यहाँ पे। लेकिन अभी कल के लिए देखिए यहाँ पे 21,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल पे आके मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, मतलब मार्केट ऊपर जाता। लेकिन ये देखिए 21,495 का इसने हाई लगाया, फिर उसके बाद में एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला। तो हो सकता है अगर मार्केट कल सुबह में यहाँ पे ओपनिंग होगा, मंडे में यहाँ पे ओपनिंग होके ऊपर के साइड में 21,500 को ब्रेक करेगा तो ऊपर के साइड में और एक हमें 100-150 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर मान लीजिए मंडे में कहीं पे गैप डाउन यहाँ पे हो जाता है तो मैं यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड रहूंगा नहीं। अगर गैप डाउन हो जाता है मार्केट आगे इस वाले लेवल पे मुझे कहीं पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई देता है तो मैं फिर से ऊपर के साइड में यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। नीचे के साइड में मेरा कोई व्यू नहीं है। अगर नीचे के साइड में लेना है तो मुझे आने के बाद इस वाले लेवल को रिटेस्ट करेगा तो मैं यहाँ तक ट्रेड ले लूंगा। लेकिन देखूंगा छोटी सी क्वांटिटी में नीचे के साइड में रहूंगा, ऊपर के साइड में मेरा क्वांटिटी जो भी रहेगा मैं प्ले करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो देखिए कल के लिए व्यू यही रहेगा कि 21,500 का लेवल आपको देखना है। 21,500 के लेवल के अगर मान लीजिए ऊपर कहीं पे ओपन हो जाता है निफ्टी, फिर वापस आके यहाँ पे 500 का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो भी एक ऊपर के साइड में आपको मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन या फिर बड़ा गैप अप हो जाता है तो देखना पड़ेगा। तो मैं आपको फ्री टेलीग्राम पे जैसे यहाँ पे चार्ट शेयर करते रहता हूँ वैसे मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ये निफ्टी का भी मैं चार्ट शेयर करने वाला था, लेकिन मैंने शेयर करके यहाँ पे टेलीग्राम पे डाला हुआ था, लेकिन मैं यहाँ से क्लिक करना भूल गया तो वो वैसे ही रह गया। फिर बाद में वो जब सेटअप कंप्लीट हो गया तब मैंने यहाँ से ऊपर गया, तब उसके बाद में देखा तो मैं बोला अभी डाल के कुछ मतलब नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे ही डालने वाला था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन छोड़ो वो सब चीज़ें, क्योंकि मैंने डाला तो नहीं था ना, तो अब मैं यहाँ जाके कुछ भी बोल सकता हूँ, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। देखिए कल के लिए हमारा व्यू यही होना चाहिए कि 21,500 के ऊपर साइड में जाएगा तो हम लोग ऊपर के साइड में बुलिश रहेंगे, और नीचे के साइड में आता है तो भी हम यहाँ पे कहीं पे डीप देखिए हायर लो मिलता है तो वापस इसको बाय कर लेंगे। देखिए आज भी देखिए मार्केट ऊपर के साइड में ओपन हो गया, नीचे आ गया, लेकिन वापस इसको बायर ने कंट्रोल किया। ये पूरा बायर के कंट्रोल में ही था। जैसे उसने 350 तोड़ दिया तो वापस बायर लोग ने धनाधन उसको ऊपर लेके चले गए। तो ऐसे एनालिसिस आपको सीखने रहेंगे तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे
डेली यहाँ पे कॉल्स भी हम लोग यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे बीटीएस टीवी में अभी अभी भी देना चालू कर दिया। मैं ज्यादा कॉल नहीं देता हूँ, ये देखिए नवंबर महीने भी मैंने कंटिन्यूअसली 1 नवंबर 2023 से लेकर मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल हूँ। आप मेरे जीरोधा का कंसोल का पीएनएल देख सकते हो, मैं इतना सा छोटा डाला हूँ, मैं प्रॉफिट किसी को नहीं दिखाता, प्रॉफिट देखना रहेगा आपको। आप प्रीमियम ज्वाइन करोगे तो अपने आप आपको प्रॉफिट का भी सब मैं दिखा दूंगा। तो ऐसे ही एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।